पत्नी का समर्पण पति की ओर, योद्धा का समर्पण सेनापति की ओर होता। एक शिष्य के हृदय में गुरु भक्ति होती है। क्या ये सारी भक्तियां एक समान? क्या सबको ईश्वर की प्राप्ति होती है? नहीं पार्थ, मनुष्य जिसके प्रति समर्पित होता है उसी के रूप में ढलने लगता है। उसके मन में कोई संदेह, कोई प्रश्न जन्म नहीं लेता। इसी दुष्ट के प्रति समर्पण उस मनुष्य के कार्यों को दूषित कर देता है। अंगराज कर्ण ने धर्म को जानते हुए भी द्यूत सभा में पांचाली को अपशब्द कहे थे। जो पांच पांच पुरुषों के साथ संबंध रखती है, वैश्या होती है ऐसी स्त्रियां, वैश्या होती है ऐसी स्त्रियां। उसका कारण था अंगराज का भ्राता दुर्योधन के प्रति समर्पण। इस युद्ध में उन्हें जो दंड मिलेगा वो किसी जन्म या जाति के लिए नहीं, अथवा एक दुष्ट के प्रति समर्पण के लिए उन्हें दंड मिलेगा। इसलिए हे धनंजय, समर्पण उत्तम के प्रति होना आवश्यक है। उसी से मनुष्य उत्तम बनता है। लोहे की माला से अपराधी बांधा जाता है, पीतल की माला से मंदिर के दीपक को बांधा जाता है, और सोने की माला को आभूषण बनाकर गले में धारण किया जाता है। पति भक्ति, स्वामी भक्ति, मित्र भक्ति, ऐसी अनेक भक्तियां होती हैं पार्थ, किंतु सबसे श्रेष्ठ भक्ति तो परमात्मा की भक्ति होती है।